एक तरफ भાજપ દ્વારા વાઇબ્રન્ટ સમિટ યોજવામાં આવી રહી છે જેમાં દેશ વિદેશથી આવેલા પ્રતિનિધિઓ સાથે વિવિધ ક્ષેત્રના MOU કરવામાં આવી રહ્યા છે તો બીજી તરફ વિપક્ષ તરીકે કોંગ્રેસ આ ઉજવણીઓને સખત રીતે વખોડી દેશની પાયાની સમસ્યાઓ વિશે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી અને સરકાર પર આકરા પ્રહાર કરવામાં આવ્યા હતા તો આ પ્રસંગે ઓલ ઇન્ડિયા મહિલા કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ નેટા ડિસોઝા તથા AICCના લોકસભાની ચૂંટણીના મીડિયા કોઓર્ડિનેટર સચિન સાવંત उपस्थित रहा हता अने सरकार पर बेरोजगारी મણીપુરનો મુદ્દો બિલિસ્કબાનું મોંઘવારી જેવા અનેક મુદ્દાઓને લઈને આકરા પ્રહાર જેશિત સરકાર પર કરવામાં આવ્યા હતા કે ભારત જોડો યાત્રા કે દોરાન જિસ તરીકે સે આમ ઇન્સાન આમ લોગ રાહુલ ગાંધીજી સે મિલકે અપને દુખ દર્દ ઓર પીડા બતાએ जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा से लाखों लोग गो में वो हिम्मत आई बाहर अपने घरों से निकल के देश के लिए एक आवाज़ बनने की, अब वक्त आ गया है 14 जनवरी से देश हित में, जनता के हित में, लोगों के हित में और देश के आने वाले पीढ़ियों के हित में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। न्याय यात्रा, न्याय क्यों? क्योंकि न्याय जो है कहीं ना कहीं आप और हम जैसे लोगों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, न्याय। पर कहीं ना कहीं जब से इस देश में पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार केंद्र में है, न्याय ये जो शब्द है ना, भाजपा की सरकार और भाजपा के नेतृत्व खास करके मोदी जी के लिए ये शब्द बहुत हल्का शब्द है। न्याय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्योंकि इस यात्रा के माध्यम से हम देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि आइए बिना डरे, ये यात्रा कोई पार्टी का यात्रा, कोई एक व्यक्ति का यात्रा या कोई विशेष जन का यात्रा या कोई एक कांग्रेस, ये सिर्फ कांग्रेस का यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा आम जन जन का यात्रा है। ये यात्रा में आपके माध्यम से मैं सभी जो भी लोग पीड़ित हों, जिनको भी लग रहा है कि वो इन 10 सालों से उन्होंने देश में तानाशाही महसूस किया है, जो युवाएं बेरोजगार हैं, जो महिलाएं बढ़ती हुई अपराधों से और जो महिलाएं बढ़ती हुई जो महंगाई से पीड़ित है, जो फार्मर्स पीड़ित है, जो किसान पीड़ित है, जो व्यवसाय करने वाले बिजनेसमैन पीड़ित हैं, वो इस यात्रा में जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से गुजरात के लोगों को और जनता को, क्योंकि आप ही के माध्यम से चीज़ें आगे भी बढ़ेगा, उनको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक ये यात्रा चलेगी। ये यात्रा जो है न्याय के लिए जो है वो 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हो रहा है। याद कीजिए, मणिपुर, जब आप और हम और पिछले 1 साल से अगर आप याद करो तो मणिपुर को जब हम याद करते हैं तो किस तरीके से याद करते हैं। मणिपुर में पिछले 8 महीने से, जो 8 महीने से मणिपुर जल रहा है, दुख की बात है कि 8 महीनों से मणिपुर चल रहा है और आज तक प्रधानमंत्री जी में ये हिम्मत नहीं हुई है कि वो मणिपुर के बारे में बात भी करे। इसकी पृष्ठभूमि है जो आज हमारी इस पत्रवार वार्ता का मुख्य बिंदु है कि पिछले 10 साल अगर इसकी व्याख्या करें, इसका डेफिनेशन दे, तो ये अन्याय काल रहा है।
सबसे बड़ी चोट अगर नरेंद्र मोदी जी ने और मोदी सरकार ने अगर पहुंचाई तो इस देश के लोकतंत्र को और देश के संविधानिक ढांचे को। आज इस देश की जो आइडिया ऑफ इंडिया थी, भारतीय सोच थी, जो स्वतंत्रता के संग्राम के बाद, स्वतंत्रता संग्राम से जो मूल्य आए, उस मूल्यों के ऊपर आधारित थी, और उसको चोट पहुंचाने का काम और जबरदस्त चोट पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। कल मैं आया था और हमारे कुछ प्रवक्ताओं ने मुझे अहमदाबाद घुमाया, बड़ी चकाचौंध दिखाई दी, बहुत जगह पे रोशनाई, जो जितने दिए जलाए, और ये दिखाने की कोशिश हो रही है पूरे देश भर में कि ये शाइनिंग इंडिया नंबर टू है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस दिए के नीचे, इस रोशनी के नीचे जो अंधेरा छुपा गया है, जिसको छुपाने की कोशिश की गई है, उसको दूर करने के लिए। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनके लिए है जब नमस्ते ट्रंप करते वक्त जिनको पर्दे के पीछे छुपाया गया है, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित लोगों को छुपाया जा रहा है। एक अलग दुनिया दिखाने की कोशिश हो रही है, जो विकास हुआ नहीं उसको दिखाने की कोशिश हो रही है, और ये रोशनाई जो है उसके नीचे छुपाया जा रहा है। ये इवेंट, ये जुमले, ये शब्द यहीं से आए हैं, और मैं गुजरात की जनता को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 12 साल 14 साल उन्होंने इसको देखा है। आज भी लोगों को जानकारी होगी या याद होगा कि पेट्रोल वो नल से आने वाला था। अभी मैं रिवर साइड पार्क में वहां गया था, वहां देख रहा था कि वो सीप्लेन कहाँ है जिसकी बात नेताजी ने की, कहाँ गया वो सीप्लेन? 2017 का चुनाव में प्रधानमंत्री जी खुद घूमे थे उसमें,